तो इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र से संबंधित प्रश्न करेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रभाव के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ALP और टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में। आगे देखेंगे, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। तो गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है गाइस? तो इसको नर युग्मक कहते हैं। ये भी देखिए थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी भ्रूणीय कोशिका जिनमें युग्मक विकसित करने की क्षमता होती है उसे जर्म कोशिका यानी कि जर्म सेल कहते हैं। यह मानव में दो प्रकार की होती है। पहली है नर जर्म कोशिका, इससे जल कोशिका स्पर्म का निर्माण होता है। और दूसरी होती है मादा जर्म कोशिका, इससे अचल कोशिका अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या शामिल हो तो और विविधता उत्पन्न हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी विविधता उत्पन्न हो जाएगी। इसका जो अंतर है लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन का, वो आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में, तो अलैंगिक जो प्रजनन है वो लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जो प्रजनन है उसमें नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक जो जनन है उनमें दोनों में अंतर आपको यहाँ पे दे रखा है। तो अलैंगिक में क्या होता है, इसमें सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं, और जो लैंगिक प्रजनन होता है इसमें दो जीव यानी कि नर और मादा ही भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो लैंगिक होता है इसमें क्या होता है कि उत्पन्न जीवों में विविधता पाई जाती है। अलैंगिक में क्या होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और लैंगिक में युग्मक का निर्माण होता है नर एवं मादा युग्मक का। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसमें जनक और संतति में पूर्ण समानता पाई जाती है अलैंगिक में। और लैंगिक में क्या होता है, इसमें जनक एवं संतति केवल अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, शारीरिक संरचना में विविधता पाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो आपको ये बताना है कि प्राथमिक जो अंग होता है पुरुष में वो कौन सा होता है यौन अंग। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। वृषण यानी कि टेस्टिस जो होते हैं वो यौन अंग होते हैं, प्राथमिक यौन अंग होते हैं पुरुषों में। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है कि पुरुषों के जनन तंत्र में प्राथमिक जो यौन अंग होते हैं वो वृषण यानी कि टेस्टिस एक जोड़ी के अलावा अन्य सहायक यौन अंग जैसे अधिवृषण, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, शीशन यानी पेनिस, सहायक ग्रंथियाँ, एसेसरी ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एवं कॉपर ग्लैंड होते हैं। पुरुषों में दो अंडाकार वृषण पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण की संरचना एक पेशी ऊतक लचीले वृषण खोल के अंदर होते संयोजी ऊतक से बने पिंडों से होती है। प्रत्येक पिंडक में अत्यधिक कुंडलित शुक्राणु जनन नलिकाएं ट्यूब्स होती हैं, एक ढीले संयोजी ऊतक से निलंबित होती हैं। इन नलिकाओं के अंदर जनन एपिथिलियम कोशिकाओं के शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। सिंगैमी क्या है? तो ये आपको बताना, सिंगैमी क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये एक शुक्राणु का और एक अंडाणु का से जो संयुग्मन होता है उसको सिंगैमी कहा जाता है। शुक्राणु यानी जो पुरुषों से निकलते हैं और अंडाणु यानी जो महिलाओं से निकलते हैं, स्त्रियों से जो निकलते हैं उनको क्या कहा जाता है, संयुग्मन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा भाग अपने आप को तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गर्भाशय। दोस्तों महिलाओं में गर्भाशय नाशपाती के आकार की संरचना होती है जो उदर गुहा के निचले श्रोणि भाग में होती है। गर्भाशय के निचले संकरे भाग को ग्रीवा
कहते हैं जो योनि में खुलता है, गर्भाशय, प्रत्येक महीने रजोधर्म या मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन किसकी प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनस का जुड़ना इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रक्रिया उसको कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, मूत्राशय के नीचे जो है कि प्रोस्टेट ग्रंथि मौजूद होती है। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं, जिसका आकार अखरोट के समान होता है, तथा पुरुषों में यह मूत्राशय के नीचे तथा मूत्र नली के आसपास स्थित होती है। पुरुषों प्रजनन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह ग्रंथि स्राव, सुक्रिय, प्लाज्मा का निर्माण करती है, जो फ्रक्टोज, फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिम्बवाहिनी। अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल के से अंडोत्सर्ग के फलस्वरूप द्वितीयक अंडक डिम्बवाहिनी यानी कि फेलोपियन जो ट्यूब होती है उसमें पाया जाता है। फेलोपियन जो नली होती है कि दीवार तरंग गति तथा म्यूकोसा के सिलिया द्वितीयक अंडक को नली से नीचे की ओर खींचते हैं। मनुष्य स्त्री में निषेचन की क्रिया डिम्बवाहिनी के ऊपरी 1/3 भाग में होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो भ्रूण को कौन सा जो ऊतक है उसकी सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, गर्भनाल। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में गर्भनाल का विकास होता है, जिसका प्रमुख कार्य गर्भ में पल रहे बच्चे को ऑक्सीजन और पोषण की प्राप्ति कराना है। यह पोषण माँ के रक्त से प्राप्त होता है। गर्भनाली बच्चे के विकास को प्रेरित करती है। गर्भनाल शरीर में लैक्टोजन के बनने में मदद करती है और गर्भनाल माँ और बच्चों को जोड़ने का काम करती है, तो इसे ध्यान रखेंगे। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने मदद करता है, अभी आपने पढ़ा है, गर्भनाल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है, गर्भाशय ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह अंग जहाँ भ्रूण विकसित होता है उसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय मादा प्रजनन तंत्र का एक अंग है जो मासिक धर्म, गर्भधारण और प्रसव सहित कई अन्य प्रजनन कार्यों के लिए जिम्मेदार है। गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चेदानी वुम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा तथा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर जन्म नाल का बर्थ कैनल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति 3 ऊतकों वाली होती है जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। पहली होती है बाहरी झिल्ली स्तर, परिगर्भाशय, मध्य मोटी चिकनी स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर। तीसरी होती है आंतरिक ग्रंथि, गर्भाशय अंतः स्तर। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो वृषण में क्या उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो अंडकोष की जो थैली होती है वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्योंकि गाइस उदर गुहा के बाहर इसलिए स्थित होते हैं क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, उनके परिपक्वन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि उदर गुहा में अपेक्षाकृत ताप जो होता है वो अधिक होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है, तो किस एक का निर्माण होता है गाइस, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, युग्मनस का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है, तो युग्मक है ऑप्शन नंबर ए, वो एक प्रजनन कोशिका है, ध्यान रखेंगे। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रजोदर्शन से यौवन की शुरुआत होती है, यानी कि जो मादा प्राइमेटो होते हैं, बंदर, कपियों, मनुष्य में होने वाले जनन चक्र को आर्तवर्षक, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, या फिर मासिक धर्म। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो महिलाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मनुष्य के नवजात शिशु को अस्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है गाइस? रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है वो कोलेस्ट्रम प्रदान करता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रम स्तनधारियों के अस्तन द्वारा निर्मित दूध का एक रूप है। कोलेस्ट्रम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विभिन्न प्रकार के खनिज और एंटीबायोटिक पाए जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों। डिम के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है, तो डिम के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? तो ये फेलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है, तो गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? तो इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है। ये गोलियां अनचाहे गर्भ और परिवार नियोजन के लिए आज भी सबसे सुरक्षित और विश्व भर में मान है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक क्षमता या फिर यौन आकर्षण को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन तथा स्तन वृद्धि करने में सहायक होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसको यौवन कहा जाता है। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व हो जाना शुरू होने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस अवस्था को यौवनावस्था कहते हैं। यौवनावस्था की किशोरावस्था तथा वयस्कता के बीच की मनोसामाजिक तथा सामाजिक परिवर्तनों की अवधि होती है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो ये होता है प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा ऊतक होता है वो पोषण प्रदान करता है भ्रूण को, जो गर्भाशय में होता है गाइस, ये ध्यान रखेंगे। उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। गोनाइट्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं, तो ये होता है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर डी, ये ग्रुप डी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए गोनाइट्स युग्मकों और लिंग हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं किशोरावस्था के दौरान। पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन जो है कि कार्यात्मक हो जाते हैं और मानव जो होते हैं यौन परिपक्व हो जाते हैं। किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। यह 12 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष तक रहता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मस नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित है होती है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निषेचन। शुक्राणु का निर्माण इनमें से कहाँ होता है? तो ये आपको पता होगा कि शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण यानी टेस्टिस में होता है। पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर के होते हैं। तो अभी आप पढ़े हैं कि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए जो वृषण कोष होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं पुरुषों में, इसी ध्यान रखेंगे। देखिए ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 थर्ड शिफ्ट में। बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है, तो क्या कार्य करता है बढ़ते भ्रूण के पोषक ऊतक के रूप में? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भ्रूण पोष। एंडोक्राइन फ्लूड होता है जो कि बढ़ते भ्रूण के पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। भ्रूण के विकास को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। भ्रूण अवस्था 8 सप्ताह के अंत तक रहती है, इसे ध्यान रखेंगे। ये भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वीषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है, तो ये शुक्रवाहिका होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो पुरुषों में होती है और पुरुष के वीषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिका खुलती हैं और यह शुक्रवाहिका वृषण से आगे देखेंगे। शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं, तो शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं? तो ये अधिवृषण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसमें रखे जाते हैं। देखिए परिपक्व होने वाले शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से निकलकर अधिवृषण में आते हैं और शुक्राणुओं के परिपक्व होने तक ये अधिवृषण में जमा होते रहते हैं, जहाँ इन्हें पोषण मिलता है। जब शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं तो स्खलन नील वाहिका के द्वारा शुक्रवाहिका में प्रवेश करते हैं। यहाँ ये लगभग 30 दिनों तक जीवित रहते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा
मनुष्य में पुरुष जनन अंग का एक हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुक्रवाय का जो होता है पुरुषों में एक जनन अंग का हिस्सा होता है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं प्रजनन कहलाता है। जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइस यहाँ पे देख लीजिए कितने टाइप के होते हैं, पुरुषों में कौन कौन से होते हैं, वृषण एवं वृषण कोष, शुक्रवाहिका शुक्राशय और शीशन यानी पेनिस, महिला में होता है अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, यूट्रस, योनि, वेजीना। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये मेल और फीमेल में पाए जाते हैं, जी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडाशय ओवरी, जो कि महिलाओं में पाया जाता है और पुरुष प्रजनन का हिस्सा नहीं है, जी ध्यान रखेंगे। महिलाओं में माफ़ करिएगा, में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कि गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। मनुष्यों में निषेचन में होता है तो क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो निषेचन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है मनुष्यों में, ध्यान रखेंगे। ग्रुप डी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण में भ्रूण का जो विकास होता है वो गर्भाशय में होता है, महिला के शरीर में गर्भाशय के दोनों तरफ एक अंडाशय रहती है जो गर्भाशय से फेलोपियन ट्यूब द्वारा जुड़ी होती है, निषेचन की प्रक्रिया इसी फेलोपियन ट्यूब में होती है, जी ध्यान रखेंगे। गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है, तो गर्भाशय के माध्यम से जो गर्भाशय ग्रीवा होता है वो योनि में खुलता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किस में निर्मित होते हैं, तो ये अंडाशय यानी कि ओवरी में निर्मित होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मादा रोगाणु कोशिकाएँ फीमेल जर्म सेल अंडाशय में निर्मित होती हैं। मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का निर्माण भी करते हैं, लड़की के जन्म के समय से ही ये कोशिकाएं अंडाशय में परिपक्व अवस्था में पाई जाती हैं, जो यौवनावस्था के प्रारंभ होते ही परिपक्व होने लगती है, जी ध्यान रखेंगे। ग्राफियन पुटक फॉलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है, तो ये चीज़ आपको बताना है। तो ग्राफियन जो पुटक होता है फॉलिकल की गुहा उसको क्या कहते हैं, तो उसको कोटर कहते हैं, एंट्रम, ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाए। यहाँ देख लेंगे आंसर, ग्राफियन जो फॉलिकल होता है डिम्बाशय की गुहा को एंट्रम यानी कोटर कहते हैं। एंट्रम कोटर शरीर के भीतर पेट का निचला हिस्सा एक कक्ष या फिर गुहिका होता है, इसे ध्यान रखेंगे। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाला जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इसको मादा युग्मक यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं, भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में अपना पोषण प्राथमिक अंडाणु के द्वारा लाए गए पोषण द्रवों से पाता है, के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं, तो किसके द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण से बाहर आते हैं, तो शुक्रवाहिका यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा उससे राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवाहिका के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण से बाहर आते हैं। इनमें से क्या एक नर प्रजनन अंग नहीं है, तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए अंडकोश की थैली, गर्भाशय ग्रीवा, प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर वृषण, तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय की जो ग्रीवा है वो नर प्रजनन अंग नहीं है। ये देखिए ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है जिसे क्या कहते हैं, तो इसे मूत्र मार्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त में पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहा जाता है, तो इस तंतु को भ्रूण नाल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस तंतु को भ्रूण नाल कहते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, तो ये आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो शुक्रवाहिका है वो मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, शुक्रवाहिका बल्कि ये पुरुष प्रजनन अंग है, शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका द्वारा शुक्राशय में ले जाया जाता है। आगे देखेंगे, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। ग्रुप डी में देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है गाइस,
फेलोपियन जो ट्यूब होती है, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, और जो गर्भधारण का प्रथम चरण होता है। फेलोपियन ट्यूब का एक शीरा बच्चेदानी में खुलता है तथा दूसरा जो शीरा होता है अंडाशय के ऊपर खुलता है। यह अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करती है। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? तो उसको गर्भ निरोध कहते हैं। कॉपर टी का प्रयोग गर्भ निरोधक के लिए किया जाता है। यह महिलाओं के गर्भाशय में डाला जाता है। एक बार कॉपर टी सही प्रकार से आरोपित हो जाने पर यह युग्मनस और गर्भाशय की दीवारों के बीच बाधा के रूप में कार्य करने लगता है, जिससे महिला गर्भधारण से बच जाती है। तो इसे ध्यान रखेंगे। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो ये होता है शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में नर प्रजनन तंत्र के शुक्राणु में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है। स्पर्म या शुक्राणु कोशिकाएं पुरुष जनन कोशिकाएं कहलाती हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है महिला जनन कोशिकाओं अंडाणु के साथ मिलकर जाइगोट का निर्माण करना होता है। प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। तो प्रसव की जो पीड़ा होती है, जो प्रसव पीड़ा होती है उसमें किसमें दीवारों में संकुचन के कारण होता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रसव पीड़ा गर्भाशय की जो दीवार होती है उनमें संकुचन होता है उसके कारण होती है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये वृषण यानी टेस्टिस में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्य के मामले में लगभग कितने महीने समयावधि है? तो ये आपको बताना है। तो 9 महीने ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य गर्भधारण की तिथि से 9 माह की समयावधि बच्चे के विकास के लिए उपयुक्त होती है, किंतु अपवादिक परिस्थितियों में यह समयावधि घटिया बढ़ सकती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे कि परिणाम स्वरूप युग्मनस का निर्माण होता है। तो किसमें परिणाम स्वरूप युग्मनस का निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, युग्मनस का निर्माण होता है। देखिए, दो कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती हैं उसके उसको युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन से युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मनुष्यों में निषेचित जो अंडा मनुष्यों में निषेचित अंडा के स्तर में परित्यारोपित हो जाता है, तो ये आपको बताना है। तो मनुष्यों में जो निषेचित अंडा होता है वो गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हो सकती हैं, तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो ये है राइट आंसर है कि प्रजनन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न जो भिन्नताएं हैं वो वंशागत हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें क्या होता है दोस्तों कि प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं वंशागत होती हैं। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। माता पिता से वंशागत लक्षणों को संतान में जाने के बावजूद कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से एकदम भिन्न होते हैं, इन्हें विभिन्नताएं कहते हैं। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो जो प्लेसेंटा ऊतक होता है गाइज, उसके द्वारा भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी आपका है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा महिलाओं के गर्भाशय में स्थित होता है, जिसे भ्रूण की पोषक थैली यानी प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा का एक सिरा जो होता है गर्भनाल से तथा दूसरा सिरा बच्चों की नाभि से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा अपरा के कार्य जो होते हैं वो गर्भाशय को ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व तो प्रदान करना होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना भी प्लेसेंटा का कार्य होता है। तो इसे ध्यान रखेंगे। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? तो नर और मादा युग्म आपस में मिलकर युग्मज बनाते हैं। पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करती है, तो ये होता है मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे।
विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर है, कोशिका का आकार घट जाता है विदलन विभाजन के संबंध में अगर बात करें तो। विदलन यानी कि क्लेवेज की जो क्रिया होती है उसमें युग्मज में होती है और इसमें अंतरावस्था बहुत छोटी होती है, अंतरावस्था में केवल डीएनए का संश्लेषण होता है। अंतरावस्था में कोशिकाएं वृद्धि नहीं हो करती हैं, जैसे जैसे ब्लास्टोमर्स की संख्या में वृद्धि होती है वैसे ही कोशिकाओं का आकार छोटा होता जाता है, और विदलन में न्यूक्लियर कोशिका द्वारा द्रव्य अनुपात बढ़ता जाता है। आगे देखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है, तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उससे होने वाला स्राव किस में प्रवेश करता है? तो ये मूत्र मार्ग में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो युवावस्था के दौरान लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव रहता है। यह एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो मुख्य रूप से पुरुषों के अंडकोश तथा एड्रिनल ग्लैंड में पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का उच्च स्तर यौन क्रिया, प्रजनन संबंधी कार्यों, मांसपेशीय भार, बालों में वृद्धि, उत्तेजक और प्रतिस्पर्धी व्यवहार से संबंधित है। यह युवावस्था के समय पुरुषों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। टेस्टोस्टेरोन का स्तर 40 वर्ष की आयु में शिखर पर होता है और इसके बाद धीरे धीरे घटता जाता है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो गर्भाशय की जो परत होती है के टूटने के कारण योनि में रक्त बहता रहता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर दिया गया है। 10 से 15 साल की आयु की लड़की के अंडाशय हर महीने एक विकसित डिंब अंडा उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। वह अंडा अंडवाहिनी नली फेलोपियन ट्यूब के द्वारा नीचे जाता है जो कि अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। जब अंडा गर्भाशय में पहुंचता है उस स्तर रक्त और तरल पदार्थ से गाढ़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है यदि अंडा उर्वरित हो जाए तो वह बढ़ सके और शिशु के जन्म के लिए उसके स्तर को विकसित कर सके। यदि डिंब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलन न हो तो वह स्राव बन जाता है और योनि की दीवारों को तोड़कर बाहर निकल जाता है। इसी स्राव को मासिक धर्म, पीरियड्स या फिर अजोधर्म या फिर महावारी कहते हैं, जी ध्यान रखेंगे। निषेचित अंडा युग्मज की परत में समाविष्ट हो जाता है, तो किसमें समाविष्ट हो जाता है? जो निषेचित अंडा युग्मज होता है वो गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है, जी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस भाग की पहचान करें जहाँ पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो जो वृषण होता है उसमें पुरुष जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जी ध्यान रखेंगे। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होती है जिसे वृषण कोट स्कॉटम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को 2 से 2.5 सेल्सियस कम रखने में सहायक होता है जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। प्रत्येक वृषण नलिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से आस्तरित होता है जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं और सटोरली कोशिकाएं कहते हैं। नर जर्म कोशिकाएं असूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती हैं जबकि सटोरली जो कोशिकाएं होती हैं वो जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं, ध्यान रखेंगे। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर जाने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे क्या कहा जाता है? तो मूत्र मार्ग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों में कितने अंडकोश होते हैं? 2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कुछ महिलाओं में कुछ समय के कारण फलन नहीं हो सकता है, इसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे विट्रो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा गाइस। दोस्तों परख नली निषेचन एक कृत्रिम प्रक्रिया है, विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका निषेचन परख नली में शुक्राणुओं
से कराया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडे को महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। यह महिलाओं में कृत्रिम गर्भाधान की सबसे प्रभावी तकनीक मानी जाती है। इस विधि को अब तक तब तक अपनाया जाता है जब तक महिला में किसी कारणवश गर्भ नहीं ठहरता है। आगे देखेंगे, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। तो यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान उसके वंशाणु यानी कि जीन का आधा भाग होता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। युग्मकों को प्रजनन कोशिकाएं भी कहा जाता है। इनमें किसी जीव के सामान्य शारीरिक कोशिकाओं की तुलना में सिर्फ आधी मात्रा में ही डीएनए पाया जाता है, या गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो आधी संख्या ही मौजूद होती है। इसी ध्यान रखेंगे। निषेचित अंडा युग्मक किस में समाविष्ट हो जाता है? तो ये गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। आगे देखेंगे, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंडा। परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है? तो ये आपको बताना है, जो परख नली टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, ये डिम का निषेचन परख नली में होता है लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रिलेवेंट अपडेट जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आती हैं करंट अफेयर की